हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विदिशास क्रिएशंस। आज जो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, ये है हमारा वाटर कलर का वेरी फर्स्ट बेसिक लेक्चर, जहाँ से आप वाटर कलर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मटेरियल्स बताऊँगी, क्योंकि बहुत से टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली कैसे ब्रशेस यूज़ करने हैं, कौन से कलर्स यूज़ करने हैं बिगनर्स को, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, उनको बहुत से टाइम पे उनको नॉलेज नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सारे मटेरियल्स डिस्प्ले करूँगी, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि वाटर कलर के लिए बेसिक चीज़ें क्या चाहिए। तो सबसे पहले एक ये पेपर चाहिए, जो कि कम से कम 180 GSM से कम नहीं होना चाहिए। 180 से 350 GSM तक ये पेपर हो सकता है। ये पेपर आप देख रहे होंगे, ये थोड़ी थिक क्वालिटी का है, क्योंकि वाटर कलर में वाटर यूज़ होता है, और अगर हम पतला पेपर लेते हैं तो वो हमारे पेपर को ख़राब कर सकता है। सेकंड थिंग जो चाहिए होती है पेपर के अलावा, वो है पेंसिल। आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल, HB पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये इरेजर की ज़रूरत होती है, और एक शार्पनर। ये तो बेसिक थिंग्स हैं जो हर पेंटिंग में चाहिए ही चाहिए आपको। फिर आता है हमारा कलर। ये फेबर कैसल की वाटर कलर पैलेट है, जिसमें सारे कलर्स के शेड हैं। बहुत सारे शेड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, और बिगनर्स के लिए ये केक वाले कलर्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और एक हमारा ये कैमल वाटर कलर भी आती है, इसकी भी एक ये पूरी किट होती है जिसमें सारे कलर्स होते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ये कैमल की वाटर आर्टिस्टिक कलर ट्यूब्स भी आती हैं, जो ऐसी होती हैं, और इसको भी आप ईजी यूज़ कर सकते हैं। पर फर्स्ट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह के केक के साथ अपने वाटर कलर पेंटिंग की शुरुआत करें। अब आते हैं हमारे ब्रशेस के नंबर। तो वाटर कलर के ब्रशेस थोड़े से अलग होते हैं, समटाइम्स लोगों को पता नहीं होता है। ये कुछ ब्रशेस हैं जो वाटर कलर के लिए स्पेशली बने हैं। आप ये देख रहे होंगे, इसके ये जो ब्रशेस हैं, जो इसका शेप है, जो इसका डिज़ाइन, इसका पॉइंट, ये वाटर कलर के लिए स्पेशली बने हुए ब्रशेस हैं। आप ये देख रहे हैं, एक लॉन्ग हेयर ब्रश है, इसको भी हम वाटर कलर में यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए इस तरह के फ्लैट ब्रशेस हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें नंबर्स आते हैं, जैसे ये हमारे पास है 12 नंबर का ब्रश, जो कि हम बैकग्राउंड करने में यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारा है 8 नंबर का ब्रश। इसी तरह हमारे साथ ये पूरी किट आती है, ऐसी ये वाटर कलर की पूरी किट आती है वाटर कलर ब्रशेस की, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक, जो पहला चैप्टर होता है, जिससे कि आप समझ सकें वाटर कलर क्या एग्जैक्टली होता है। तो सबसे पहले हम कुछ ड्रॉ करेंगे, सिर्फ एक चीज़ जिससे आप समझ सकें। मैं कैमरे को थोड़ा नीचे कर देती हूँ, जिससे आपको समझने में ईजी हो जाएगा। ये हमने एक सर्कल बनाया, ओके। उसके बाद इसमें मैंने कुछ छोटे छोटे से पेटल्स बना दिए, ओके। ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और नीचे करती हूँ, ये शायद आपको दिख रहा होगा, ये एक सर्कल और 5 पेटल्स आते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अभी चूंकि बहुत ही छोटी चीज़ है, तो मैं ये सबसे पहले ये जो मैं ब्रश ले रही हूँ, 2 नंबर की ब्रश ले रही हूँ। हाँ, इसमें एक और बहुत ही सबसे ज़रूरी जो मटेरियल है वो है आपका एक वाटर जार, क्योंकि वाटर कलर है तो यू नीड वाटर ऑल्सो। अब क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपको वाटर लेना है, जैसे वाटर में हमेशा पेपर को वेट किया जाता है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे इसको वेट किया। यहाँ पे पानी होना चाहिए वाटर कलर में, और उसके बाद हमें कलर लेना है। कलर लेने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये जो जब आप कलर ले रहे हैं, ये कलर लिया आपने, ये सपोज मैं ले रही हूँ, तो अपने ब्रश को ऐसे ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके आपने कलर उठाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट पे इस कलर को रखना है। आप ये देख रहे हैं, ये अपने आप थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हो रहा है यहाँ पे। आप जितने कलर्स रखेंगे, यहाँ पे आपको कलर रखना है। सी, आप देख रहे हैं, इट इज़ गेटिंग स्प्रेड ऑटोमेटिकली। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वाटर कलर, आपने देखा। अब उसके बाद हमें फिर से अपने ब्रश को क्लीन करना है, और अगेन एक फ्रेश वाटर यहाँ पे रखना है। मैं यहाँ पे फिर से अपने इस पेपर को वेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर वाटर होगा तो ही आपका स्प्रेड होगा कलर। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपके वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत ही सही होना चाहिए। बहुत एक्सेस वाटर भी अच्छा नहीं है, और अगर कम वाटर भी होगा तो इस ये फ्लावर्स आपके स्प्रेड नहीं होंगे। अब अगेन आपको वाटर लेना है, यहाँ पे हमारा वाटर है, जिस जगह पे वाटर है हमारा कलर वहीं पे स्प्रेड करेगा। तो जस्ट आपको पॉइंट लेना है। सी, आप देख रहे हैं,
ये वाटर कलर ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि ये स्प्रेड होते होते इस चीज़ को भी कवर करेगा और ये जो स्प्रेड होकर के जो इसकी ब्यूटी आएगी दैट इज़ अमेजिंग। अब अगेन आपको वाटर लेके यहाँ पे इन शेप्स पे ही पानी हम डालेंगे जैसे जब हम यूज़ करेंगे। अब आपको अगेन ये टिप पे कलर रखना। सी आपने देखा, मैंने सिर्फ इसको टिप पे रखा है और ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो रहा है। फ्लावर्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक टू कलर द फ्लावर। अब हम अगेन यहाँ पे वाटर रख रहे हैं, ये बेसिक है तो मैं थोड़ा ज़्यादा वाटर डाल के दिखा रही हूँ जैसे आपको समझ में आए। ये आपने देखा ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो गया है। अब जब ये ड्राई हो जाएगा फ्लावर तो इसकी ब्यूटी अलग ही होगी। अब सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, ये मैंने ड्रॉप रखा, उसके बाद किसी भी कलर से लाइक अगर हम लेना है हमें, और हमने ये कलर यहाँ रख दिया। सी आपने देखा ये फ्लावर कैसे बना, सिंपल वे से ये फ्लावर बना हुआ है। यहाँ मैं एक फ्लावर आपको आज और बता देती हूँ। सपोज ये आपकी पेटल हैं, ये दो पेटल्स मैं बताती हूँ, ये है। सेम मेथड के साथ आपको करना है, आपको वाटर को पहले वाटर से अपने इस पेपर को वेट करना है। इसमें कलर आ रहा है, वेट इस कलर को हम हटाएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे पानी से अपने इस पेपर एरिया को गीला करेंगे। मैं दोनों मेथड से बताऊंगी आपको। अब अगेन मैंने कलर लेने की टेक्निक वही है, हम यहाँ पे डालेंगे और इधर आएंगे। सी ये चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं पॉइंट के साइड में। अब जो है इसको आपने वेट किया पेपर को, अब दूसरे मेथड से जिसमें आपकी शेप क्लियर होगी वो है आपने यहाँ पे डाली कलर इसके पॉइंट पे, आप देख रहे हैं, और फिर आपको धीरे से मूव फॉरवर्ड करना है। अब आप इस मेथड से भी फ्लावर कंप्लीट कर सकते हैं, इस मेथड से फ्लावर कंप्लीट कर सकते हैं, और आप ये मेथड भी ले सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक फर्स्ट लेसन था वाटर कलर का। जब आप वाटर कलर स्टार्ट करना शुरू करते हैं वाटर पेंटिंग, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए और अपने वाटर कलर को इम्प्रूव करिए। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलेंगे सेकंड चैप्टर के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विदिशा क्रिएशंस। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्लावर। हमने ये फ्लावर बहुत ही बेसिक फ्लावर स्टार्ट किया था, जिसके साथ हमने आपको बताया था कि कैसे आपको चीज़ें करनी हैं। अगेन सारी चीज़ें वही हैं, आपको वाटर कलर के लिए वाटर कलर पैलेट लेना है, वो फैबर कैसल का हो सकता है या कैमलिन का हो सकता है। इसके साथ आप ये ट्यूब वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा मुझे कैमरा ऊपर कर लेने दीजिए, मटेरियल प्रॉपर डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह की ट्यूब कलर्स आती हैं वाटर कलर में जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो चाहिए कुछ ब्रशेस, मैं स्पेशली एक ब्रश का आपको दिखाती हूँ। ये जो ब्रश हमारी है इसका पॉइंट और इसकी जो ब्रशेज हैं आप देख सक रहे होंगे, ये वाटर कलर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा बेसिक थिंग्स, पेंसिल, शार्पनर एंड इरेजर, वन वाटर जार जहाँ से आपको पानी लेना है। तो अभी मैंने उस दिन आपको फ्लावर बताया था, अभी जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ वो है एक लीफ, सिंपल लीफ का पैटर्न। ओके, ये हमारी एक लीफ है जो कि मैंने ड्रॉ की है। अब जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो है थोड़ा उससे थिक जिससे मैंने फ्लावर बनाया था, दिस इज 6 नंबर ब्रश। अगेन हम अपने इस लीफ पोर्शन को वेट करेंगे। ध्यान रहे वाटर उतना हो जितनी रिक्वायरमेंट हो, जिससे आपका पेपर वेट हो जाए, बट वहाँ एक्सेस वाटर होगा तो आपके कलर को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये आपने ठीक है। अब जो मैं यूज़ करूँगी वो है ग्रीन कलर।
आप देख रहे होंगे। ये एक मेथड है, और एक मेथड और मैं आपको बताती हूँ। आपने पेपर वेट किया एक नॉर्मल ब्रश के साथ, ये आपने पेपर वेट कर दिया है अपना। अब आपको कुछ लीव्स बनानी है, बट मैं पेंसिल यूज़ नहीं कर रही हूँ। आपने इस तरह से रखा, इस तरह से आपने लीव्स बनाते गए, ठीक है। अब एक मैं दिखाती हूँ जो मैं बिना पेपर वेट करके बना रही हूँ। ये आपकी ऐसे हो गई, ये पॉइंट सी आपने देखा, क्योंकि वाटर कलर की ब्यूटी है, बहुत सारी पूरी चीज़ें आपको फिल नहीं करनी होती हैं। आपको जस्ट आपने सपोज ऐसे किया और ये इधर से आया, ये हमारा वाइट स्पेस है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वाटर कलर, जिसको देखने वाले को खुद समझ में आता है। जैसे आपने ये किया और इधर से आपने ये कर दिया और ये लीफ हो गई। आपने दिस इज़ द लीफ, आप थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल पैटर्न है। आपने ये किया और ये दिस इज़ द लीफ। वाटर कलर में बिल्कुल फिल नहीं की जाती कोई भी चीज़, थोड़ी सी वाइट गैप्स जो रहती है वही हमारा ब्यूटी होती है इन वाटर कलर्स की। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जब आप वाटर कलर कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप केयरफुल रहेंगे तो आप अपने वाटर कलर पेंटिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आप जस्ट प्रैक्टिस करती रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय।